सो हेलो गाइस, मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो यार आज दोबारा गांव से स्टार्टिंग हो रखी है डे की। तो यार अभी चलते दुकान पे, क्योंकि दुकान पे जाने के बाद भाई पापा जी आज कंपैन आने वाले दोबारा खेत में, और आज भाई मौसम भी साफ है, मतलब बारिश का नहीं है। तो आज भाई ट्रैक्टर ट्राली पहले से ही तैयार कर ली थी, तो कभी भी कंपैन आ सकती है, तो भाई कभी भी खेत में जाना पड़ जाएगा। तो मैं चलता हूँ फिलहाल दुकान पे। दुकान पे जाके भाई पापा जी ने दूध बत्ती तो कर दी थी, सुबह गया था बस एक बार मस्त सफाई वगैरह करने के लिए। तो अभी पापा जी को भेजते हैं घर पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, हम चलते दुकान पे। चलते हैं यार अभी। तो कैसे आप लोग लोग पापा जी, राधे राधे। जाओ तो कर बगजो, आप कंपैना हो गया आज खेत में, जाओ कर बगजो थोड़ी देर में आ जाओ, कंपैना होगी मैं बैठा रहा जी। भाई थोड़ी देर पहले बाइक उठा के जाने लगा, बाइक में तेल नहीं था, फिर भाई पापा जी पैसे लेके भाई अब तेल डलवाने आया था बाइक में। अभी चलते हैं सीधा दुकान पे, पापा जी को भेजते हैं घर पे। यार अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, और भाई मैं कंपैन की वेट यहाँ पे कर रहा था, बट भाई पापा जी कब के ट्रली लेके, जो हमारे गांव से थोड़ी बाहर है, जो हमारी जमीन गांव से थोड़ी बाहर है, तो वहाँ चले गए। वहाँ 2.5 एकड़ जमीन थी अपनी, तो वहाँ वो आज सारी मतलब वही कटेगी, और 2 ट्रली में लगभग जितना भी हमारा धान है भाई सारा उसमें हो जाएगा। और पहले भाई ट्रली नहीं मिल रही थी, अब ट्रली मिल गई, अब कंपैन वाला लेट कर रहा है भाई, आ ही नहीं रहा है। वो पहले कह रहा था कि आ गया आ गया आ गया, और अभी अभी आया है वो, मतलब लेट आया 3 बजे। तो पापा जी चले जा चुके हैं, अब 4 बजे के आसपास हम भी चले जाएंगे वहाँ पे, और फिर आगे भाई दूध भी निकालना है अपना भाई, इंपॉर्टेंट वर्क, मतलब यार प्रेशर बहुत है, देख लो कितना काम करता हूँ मैं। अबे साल, कल हड़ताल थी भाई अपने एरिया में, क्योंकि कल इलेक्शन था, पता नहीं प्रोटेस्ट चल रहा था पता नहीं किस चीज़ के ऊपर, और भाई कल एक भी कंपैन मतलब देखने को नहीं मिल रही थी। आज भाई कम से कम जितने भी मेरा एरिया है ना यहाँ पे, ये इसके पास मेरे को कम से कम 20 से 30 बार कंपैन आते जाते दिख चुकी हैं, और हम मेरे सामने यहाँ पे 2 कंपैन आपको दिखाऊँ। देखो एक कंपैन वो चल रही है, देखो 3 ट्रैक्टर ट्रैली यहाँ पे खड़े हैं भाई, और 2 अगले वाले एरिया में चल रही है, और 1 भाई हमारी एरिया में वहाँ पे, और उसके बाद भाई उसके आसपास मतलब काफ़ी चल रहे हैं, मतलब एरिया में देखने के लिए हमें काफ़ी कंपैन मिल रही है, क्योंकि आज ही मतलब मेरे को लग रहा है कि ये सारा जो एरिया है यहाँ पे फसल का ये खाली हो जाएगा। और अभी ये इन्होंने ये वाला काटा है, फिर वो, फिर अगला, लग ही रहे हैं भाई ये भी। हमारा भी भाई 4-5 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, मतलब सारी जितनी भी फसल है भाई सारी कट जाएगी, फिर तो भाई खेत जुताई का काम करना स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं जैसे भी रहेगा। अभी भाई घर आए थे थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए, मतलब चाय वगैरह पीने के लिए, और पापा जा चुके हैं खेत में एज यू नो, और भाई चाय पी के फटाफट हम भी चलते हैं खेत में, जाके देखते हैं क्या कुछ हुआ वहाँ, कितने कुछ फसल कटे कितनी कुछ नहीं। तो अभी चाय पी लेते हैं फटाफट यहाँ पे, फिर चलते हैं खेत में, और फिर वहाँ से दुकान पे, दुकान से भाई अभी जैसे आपको पता ही है कि चाय पीने के लिए घर आए थे, और 5 मिनट बैठे ही थे अंदर, दूध वगैरह पी के बना भाई फ्री हुआ था, गाय ने भाई रस्ता डुबा लिया था ना बड़ी मुश्किल, कम से कम 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद भाई जाके बंधी आए, और रस्ता इसका ना छोटा हो चुका है, अब मतलब पानी पी भी नहीं सकती अभी है इसमें। तो अभी फटाफट भाई पहले दूध निकाल लेते हैं इनका, और मेरे को खेत में जाना था, खेत में जैसे जाना लगा तो भाई इसने ये काम कर दिया था, और अभी फिर डबल नोच करके बांधा हुआ है इसे, देख सकते हो आप, एक छोटी रस्सी से एक बड़ी रस्सी से। अभी पहले दूध निकाल लेता दोनों कैसे गायों का, और दूध निकाल के भाई ये अंदर रखे थे दूध, यहाँ पे मम्मी अपने आप डाल देगी दूध यहाँ पे, उसके बाद फिर चलते हैं भाई खेत में, जाके देखते हैं, सुबह से गए ही नहीं हूँ मैं एक बार भी, और अब फिर उसके बाद चलेंगे दुकान पे, मेन तो यही चीज़ है। अभी पहले दूध निकाल लेते हैं, बाल्टियाँ में ले आया था, उसने भाई दुखी कर दिया उस गाय ने बहुत ज़्यादा। अभी एक गाय का उस वाले का जो भाई तंग करती है, पहले उसी का निकाल लिया, माता मेरी दूध लेके जा रही है। अभी बारी है भाई सिर्फ गाय की, तो ये बेचारी बोली है भाई, ये जिसे कहते हैं ना गाय हैं, तो ये वही गाय हैं वो भाई खड़दू। अभी भाई दूसरी गाय का दूध निकाल दिया है, अभी टाइम हो रखे भाई ऑलमोस्ट 7:15, और भाई चलते सीधा खेत में, जाके एक बार गेड़ा मार के आते क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ अब तक, और मे भी यार पापा जी कभी मैं इधर से जाऊँ, पापा जी उधर से आप ही ना जाए, तो देखते हैं जाके यार जो भी रहेगा, चलते हैं यार। मम्मी जी मैं खेत में जाकर रहा, खेत में
तो भाई यहाँ से हो चुके थे फ्री, खेत से मतलब सारा काम हो चुका था भाई, कंपैन की भी सफाई कर रहे हैं वो, पापा जी ट्रैक्टर लेके जा चुके हैं। और अभी मैं चलता हूँ दुकान पे, दुकान पे भाई कोई ग्राहक आया खड़ा होगा वहाँ पे, देखते हैं जाके कौन आ गया था। सिर्फ जीरे के भाई 2.5 किलो कटे हैं आज में, बट उसी में भाई देख लो आप सुबह लगी थी मतलब 12:30-12 बजे मशीन, और मतलब अब रात को फ्री हुई है। तो अभी बैठते हैं दुकान पे भाई, दुकान पे आ चुका था मैं, तो थोड़ी देर में भाई दुकान बनाने के टाइम हो चुका है, फिर चलते सीधा घर पे, तो बैठते हैं अभी। तो भाई अभी दुकान बढ़ा दिया देख सकते हो आप, और अभी चलते हैं भाई घर पे, घर जाके भाई नहा धो के एकदम मस्त बढ़िया रिलैक्स हो गया अपना, फिर फुलवारी वगैरह देखते हैं। और भाई अभी मेरा फ़ोन गिरते गिरते बच गया, बड़ा गंदा गिरा था भाई, मतलब ऑलमोस्ट उठने वाला था, तो यहाँ पे घास वगैरह में ऐसे में गिर चुका था ये। और ना भाई चलती बाइक से भाई जैसे ही घर जाने लगा, जो मेरे लोअर की पॉकेट है भाई वो छोटी थी काफ़ी, और जैसे मतलब बैठने लगा बाइक पे चलती बाइक से एकदम नीचे। अच्छा सो गाइस अभी दुकान बढ़ा के आ चुके थे घर पे, और अभी टाइम भाई रात के 12 बजे रखे हैं, मैं लास्ट की वीडियो बस बिल्कुल ही लास्ट में जब एडिटिंग होगी तब शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो। और भाई अभी वीडियो बिल्कुल कंप्लीट एडिट हो चुकी है, बस ये लास्ट के एक क्लिप जोड़नी है उसमें। तो यार आई होप वीडियो अच्छी लगती, वीडियो अच्छी लगती वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नए वीडियो नए कंटेंट के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।